पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके डेफिनेशन फॉर्मूले वगैरह देखे थे, और बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्यू और आर के पदों में निकाला था। तो बिंदु आवेश का जो विभव है उसकी सहायता से हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है, उसको हम किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हैं। द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश, और इसकी लेंथ 2a, लेंथ को बाद में शो कर देंगे। ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, केंद्रीय बिंदु हो गया O, दोनों के बीच में। हमें यहाँ से इस तरह से तिरछा एक पॉइंट लेना है, तिरछी डिस्टेंस पर ये पॉइंट P मान लेते हैं। हमें इस P पर विभव चाहिए जिसका एंगल है थीटा और डिस्टेंस है R। तो हमारा टॉपिक ये है कि द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर तथा थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव का व्यंजक निकालना है। द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ये इसकी लंबाई हो गई 2a। इसमें दो बिंदु आवेश हैं, एक ये प्लस क्यू और एक ये माइनस क्यू, तो हमें दोनों के कारण विभव लिखने हैं और दोनों को बीजगणितीय रूप से जोड़ना है, मतलब चिन्ह सहित जोड़ना है, टोटल विभव हो जाएगा। इसके लिए हम इन दोनों को मिला देते हैं पी से, पी से दोनों आवेशों को मिला देते हैं। मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस आर वन, ये वाली डिस्टेंस R2, लेकिन हमें जो फाइनल फॉर्मूला रखना है वो R के पदों में रखना है। तो फिर इसके लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक लंबवत लाइन मिलाएं, यहाँ से यानी बिंदु A से इस लाइन पर एक अभिलंब डालेंगे, एक अल्टीट्यूड डालेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और यहां से अभिलंब डालेंगे, इसको मान लेते हैं एन। द्विध्रुव एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, द्विध्रुव जो है वो अणुओं के लिए बनाया गया टॉपिक है, तो द्विध्रुव मान लो छोटा सा है, ये डिस्टेंस काफी नजदीक है और ये काफी दूर है, तो ऐसे में हम A से P तक और M से P तक को बराबर मान सकते हैं। जैसे मान लो ये है द्विध्रुव और इस तरह से ये तिरछा काफी दूर लिया और हमने इस तरह से दोनों तरफ से मिला दिया इसको, तो जब आप यहां से लंब डालोगे ये, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। हालांकि फर्क तो होगा क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये दोनों भुजाएं दोनों का वर्गों का योग होता है, लेकिन आप मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह का, इसकी ये वाली भुजा मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है और ये भुजा एक है, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल कर देखो, तो ये हो जाएगा 10,000 और इसका स्क्वायर एक, जब आप 10,000 एक का अंडर रूट करोगे तो 100 ही आएगा, 100.0 के बाद कुछ आ सकता है, तो लगभग ये भुजा इसके बराबर ले सकते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो किसी सिंपल फॉर्मेट में आ जाए, नहीं तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, उलझ के रह जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड व्यंजक बन जाएगा। तो सरलता के लिए हम क्या करते हैं, R1 को
यहाँ से यहाँ तक के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सकड़ा होता है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो R1 को लगभग इसके बराबर मान लेंगे, P से M तक के बराबर, और P से यहाँ तक O तक टोटल वैल्यू R है, तो फिर हमें ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो पहले ये वैल्यू निकालनी होगी, इसके लिए हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ए एम ओ। इसकी ये वाली जो भुजा है ये तो ए हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां से यहां तक टोटल 2a है और ये जो हाफ है ये a हो जाएगा, और थोड़ा यहां तक शो कर देते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा ये कर्ण है, ये कोण है। तो इसके लिए अगर आपको साइन कॉस कुछ भी लिखना है तो ये आधार होगा और ये लंब। तो अगर हम कॉस थीटा लिखें, त्रिभुज ओ ए एम से कॉस थीटा की वैल्यू लें, तो कॉस थीटा होगा इसके लिए आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा ओ एम अपॉन ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हो गया ये और कर्ण हो गया ये, तो ओ एम हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये ओ एम की वैल्यू हो गई यहां से यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है आर, आर में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा पी एम, वो आर वन के बराबर होगा। अतः R1 जो है उसको हम PM के बराबर ले सकते हैं, लगभग बराबर हैं ये, तो हम यह बराबर ले सकते हैं इसको PM। P से M तक इसका मान कैसे आएगा, तो P से O तक टोटल डिस्टेंस है R, R में से घटा देंगे ये टुकड़ा OM। चलो डायरेक्ट ना लिखे, मैं वैसे लिख देता हूँ पूरा, P से O तक की डिस्टेंस माइनस M से O तक की डिस्टेंस, P से O तक की डिस्टेंस है, P से O तक टोटल डिस्टेंस थी ये R, और OM यहाँ से निकाला है ये A cos थीटा। तो R1 की वैल्यू आ गई R के पदों में, A के पदों में और थीटा के रूप में, क्योंकि ये तीनों हमें दिए हुए हैं, ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, अब इसके बाद R2 निकालते हैं। R2 ये R2 है P से B तक, इसको हम P से N तक के लगभग बराबर ले सकते हैं, तो P से N तक लेने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए अब इसमें हम कॉस साइन जो भी हमें लगाना होगा इसमें लगाएंगे हम, तो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो देखो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये साइड तो वही हो जाएगी ए, ये तो टोटल 2a है तो हाफ है ये तो। तो अब हम लेंगे त्रिभुज बी ओ एन, त्रिभुज बी ओ एन से कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा आधार, आधार यानी कि ओ एन, और कर्ण, कर्ण यानी कि ए इस ट्रायंगल में। तो यहां से ओ एन की वैल्यू हो गई ए कॉस थीटा। सेम उसी की तरह चल रहा है ये, वैसे तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांग सम होंगे तो सेम ही आएगा। अतः R2 बराबर, R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बराबर लेंगे PN के, PN लगभग बराबर है, एग्जैक्टली नहीं है, कहीं आप ज्योमेट्री से प्रूफ करने की सोचो, प्रूफ नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, सिर्फ हम हमारी सुविधा के लिए ऐसा कर लेते हैं। फिजिक्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां नगण्य राशि को छोड़ देते हैं ताकि जो सूत्र का व्यंजक है वो काफ़ी सिंपल रूप में आ जाए।
तो R2 होगा P से N तक, जिसमें P से O प्लस O से N दोनों जोड़ने पड़ेंगे हमें। अब P से O तक ये वाली डिस्टेंस तो R है सेंटर से, ये तो पहले भी हमने R ही ली थी, और ओ एन ये जो निकाली है ये है ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार R1 और R2 के मान अलग अलग आ गए। R2 तो है R प्लस ए कॉस थीटा, R1 है R माइनस ए कॉस थीटा। अब आप खुद भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक R है, तो R1 तो छोटा ही है इसलिए इसमें से ए कॉस थीटा घटा, ये थोड़ी बढ़ गई तो इसमें ए कॉस थीटा जुड़ गया। अब हम निकालते हैं विभव, प्लस क्यू आवेश जो कि एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, इस विभव को वी वन से डिनोट कर देते हैं। ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण यहां पर जो विभव होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर वन। बिंदु आवेश के कारण विभव हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर वन है तो आर की जगह आर वन लेंगे, क्योंकि हमें तो इसका विभव लेना है तो इसी से डिस्टेंस चाहिए आर वन। ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है जब कोई साइन नहीं है, विभव अदिश राशि है, अगर चिन्ह सहित नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, सिमिलरली वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा वी टू के क्यू अपॉन आर टू। तो यहां से जो डिस्टेंस है वो आर टू है लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस का चार्ज लोगे तो ये माइनस का पोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा। अब दोनों को जोड़ना है, अतः बिंदु P पर कुल विभव ये दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, क्योंकि सदिश नहीं है ये, विभव अदिश राशि है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, बस चिन्ह का ध्यान रखना है। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर वन, इसकी वैल्यू है माइनस के क्यू अपॉन आर टू। के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब आर वन और आर टू जो निकाल के रख रखी है हमने, अब यहाँ यूज करेंगे उनका। R1 की वैल्यू ये आई थी R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 की वैल्यू है R प्लस ए कॉस थीटा। तो R1 और R2 की वैल्यू रख दी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है हमें इस कैलकुलेशन को। दोनों फैक्टर अलग अलग हैं तो दोनों को ही रख लेते हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। V इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस आर ऐड होकर जीरो, टोटल जीरो, और ये प्लस ए कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू ए कॉस थीटा। अच्छा a माइनस बी, इस पूरे को b मान लो, a प्लस बी, तो ये सिंपल सा एक गुणनखंड है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे
माइनस ये सेकंड टर्म दोनों में ये इसका स्क्वायर, तो इसमें दोनों का स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। V इक्वल टू के, अब इस ब्रैकेट की क्या जरूरत है, छोड़ो इसे, Q इंटू टू ए, ये Q ये 2a दोनों को एक साथ ले लिया, cos थीटा ये रह जाएगा और नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कई बार हम a को r के कंपेयर में नेग्लिजिबल कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, यहाँ भी लिया था भाई, डायग्राम में ही मान लिया ना हमने कि ये काफ़ी सकड़ा है यहाँ से, तो आप a को छोड़ोगे तो ऊपर नहीं छोड़ना है, ऊपर तो मल्टीप्लाई में है, केवल इसके कंपेयर में नगण्य, इसकी तुलना में नगण्य, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे बस, या इसमें से नहीं घटाएंगे, ये तो गुणा कर रहा है, गुणा करके तो ये छोटा है तो छोटी कर देगा वैल्यू को, लेकिन इसकी बजाय पहले हम उसको p लिख लेते हैं, k इसकी जगह p हो जाएगा cos थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो है Q इंटू टू ए, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुवा घूम, जिसकी वैल्यू होती है P। तो अब मैं इसको तो मिटा देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है। तो इस तरह से विभव का ये तो एक्यूरेट फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, इसमें कंडीशन लगानी है, आर के कंपेयर में ए छोटा है तो इसको नेग्लिजिबल करके आगे बढ़ा देते हैं, परंतु R is very very greater than A, क्योंकि हम इसके कंपेयर में इसको छोटा पहले ही मान चुके हैं, क्यों मान चुके हैं, डायग्राम में जब ही तो हमने इसको इसके बराबर माना है, नहीं तो ये नहीं होगा बराबर। अतः V की वैल्यू रह जाएगी K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ओनली R स्क्वायर, इसको छोड़ दिया मैंने, ये हो गया फॉर्मूला। इसका सदिश रूप देखो, ये तो अदिश है तो इस पर तो सदिश लगेगा नहीं, तो फिर सदिश रूप क्यों लिखेंगे, यहां आर कैप वगैरह भी नहीं लगाना है, आर कैप लगाते तो ये पूरा वेक्टर बन गया, जबकि ये वेक्टर नहीं है, तो यहां कुछ डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे हम, तो इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है P डॉट R कैप नीचे R स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे K P डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। यहाँ पर ये जो k है इसकी वैल्यू है 1/4 pi epsilon 0, अगर वैक्यूम या एयर है तो, अगर कोई मीडियम है तो ओनली epsilon। अब ये कैसे आया इसको भी एक बार समझ लो, आपको एक फॉर्मूला पता ही है, a डॉट b इक्वल टू a का मॉडुलस, यानी कि a b का परिमाण और इनके बीच में जो एंगल है वो उसका cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का जो है फॉर्मूला है, तो यहाँ a की जगह मैं p लिख देता हूँ, b की जगह r कैप, तो p का परिमाण लिखेंगे यहाँ, आर कैप का परिमाण एक होता है, ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश का जो परिमाण है वो एक होता है, मैग्नीट्यूड एक होता है, और कॉस थीटा, तो ये हो गया पी डॉट आर कैप इक्वल टू ओनली पी कॉस थीटा। तो पी डॉट आर कैप पी कॉस थीटा होता है, तो पी कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं P डॉट आर कैप, क्योंकि यहां P cos थीटा था,
अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, आर कैप को हटाया है। आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन आर का मॉडुलस। मॉडुलस को डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो यहां देखना है कि आर कैप की जगह जैसे ही हम ये रखेंगे, तो आर कैप की जगह ये रखेंगे तो आर वेक्टर तो ऊपर आ गया और नीचे आर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और आर क्यूब हो गया। अब स्पेशल केसेस, कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं। यदि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है तो जीरो डिग्री थीटा तब होगा जब ये लाइन बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट इधर आ जाएगा। जैसे मान लो ये द्विध्रुव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और पॉइंट पी यहाँ पर है, तो केंद्र से पी को मिलाने वाली लाइन और द्विध्रुव दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस कंडीशन में V बराबर आएगा K P cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 कब बनेगा, 180 तब बनेगा जब ये P इस साइड होगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से ही नापना है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो P वेक्टर है वो इधर ही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो फिर एंगल इसी से नापना स्टार्ट करेंगे हम, तो पॉजिटिव से नापेंगे। अगर हम इस पॉइंट को घुमा के आगे ले जाएं, जैसे ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो द्विध्रुव आघूर्ण तो हो गया इस साइड, लेकिन अगर हमने मान लो पॉइंट पी ए लिया तो सेंटर से जो आर वेक्टर बनेगा वो इस साइड बनेगा, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल आएगा के पी कॉस 180 डिग्री माइनस आर स्क्वायर। कॉस 180 का मान माइनस एक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, क्योंकि इस वाले में पहले वाले में जो बिंदु है वो पॉजिटिव के समीप है, तो पॉजिटिव विभव ज़्यादा है नेगेटिव की बजाय, जबकि दूसरे वाले में नेगेटिव के नज़दीक है तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर मान लो मैं इस डेरिवेशन को करते समय इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लेता और इसको नेगेटिव, तो फिर यहाँ पर ये फ़र्क आ जाता। पहले वाले में जो है वो हमने ये जो जोड़ा था v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो उसमें ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव बच जाता, लेकिन उसमें मतलब जो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकाल लिया। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 तब होगा जब हम पॉइंट पी को निरक्ष पर ले लेंगे, तो निरक्ष पर विभव का मान आएगा के पी कॉस ये 90, तो कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 जीरो होने से विभव का मान जीरो हो गया। तो कोई भी विद्युत द्विध्रुव है इसकी पॉजिटिव साइड अगर हम अक्ष पर लें, अगर ये मान लो इस तरह से एक द्विध्रुव है, ये प्लस ये माइनस, ये इसकी अक्ष हो गई, तो अक्ष पर जो विभव होगा दोनों तरफ वो आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। इस साइड तो आएगा माइनस में, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इधर की तरफ होगा पॉजिटिव, वो होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस का। तो ये हो गया अक्ष पर विभव। तो अक्ष पर और निरक्ष पर अलग अलग डेरिवेशन नहीं करना है जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में किया था, क्योंकि इसमें तो अदिश है डायरेक्ट निकल जाएगा और इसकी स्पेशल केस में ही आ जाएंगे। तो
और ये जो निरक्ष है जिसको आप विषुवतीय तल भी कह सकते हो, अगर ऐसे तल लेते हो तो इसमें पॉइंट चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। अगर आप यहाँ लेते हो तो ये एंगल हो गया पूरा 270, कॉस 270 भी जीरो ही आता है। तो अगर आप इस पे निरक्ष पे कोई बिंदु लेते हो तो वहाँ विभव होता है जीरो, जो कि ये विशेष स्थिति से सिद्ध हो रहा है। तो एक कंप्लीट, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन पड़ता है ये, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। अब मैं द्विध्रुव से संबंधित एक कंपेरिजन समझा रहा हूँ। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके यहाँ पर E की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तीव्रता है वो प्लस की वजह से इधर आएगी और इस माइनस सॉरी प्लस की वजह से इधर होगी खुद से दूर, और इस माइनस की वजह से इधर होगी खुद की तरफ, तो दोनों जुड़कर इधर आ जाएगी तो जीरो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर विभव का मान जीरो होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि निरक्ष पर विभव कोई सा भी बिंदु हो विभव जीरो होगा। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो? तो हम उनसे कहे कि क्या ये पॉसिबल है, E नॉट इक्वल टू जीरो बट V इक्वल टू जीरो, तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा कहाँ पर संभव है? द्विध्रुव की द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी जीरो नहीं होगी, जबकि विभव जीरो होता है। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि E जीरो हो जाए और V जीरो ना हो? ये भी पॉसिबल है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसके लिए मान लो आप दो पॉइंट चार्ज ले लो ऐसे, और इसके यहाँ बीच में देखो, तो इस प्लस की वजह से तीव्रता इस साइड होगी खुद से दूर, इस प्लस के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र इस साइड होगी खुद से दूर, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो दोनों विद्युत क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तीव्रता जीरो हो गई। लेकिन विभव जीरो नहीं होगा। विभव क्यों जीरो नहीं होगा? इस प्लस के कारण यहाँ विभव होगा वो पॉजिटिव होगा, के क्यू बटे ए, ये वाली डिस्टेंस ए है। ऐसे इसके कारण जो विभव होगा वो भी के क्यू अपॉन ए, तो दोनों जुड़कर आ जाएगा 2KQ/A, क्योंकि द्विध्रुव की लेंथ हमने 2A ली थी, तो आधी है ए, तो द्विध्रुव की तरह ही मान लो इसको भी, बस इसमें हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिया है, द्विध्रुव नहीं है बस। तो अगर हम दो आइडेंटिकल एक जैसे दो बिंदु आवेश ले लें, तो उनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर तीव्रता जीरो जीरो हो जाएगी, जबकि विभव जीरो नहीं होगा। तो एक कंडीशन ये हो गई। दो बिंदु धनावेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में ऐसा हो जाएगा, या दोनों ऋणावेश भी ले सकते हो। तीसरा, क्या ऐसा पॉसिबल है E नॉट इक्वल टू जीरो एंड V नॉट इक्वल टू जीरो? ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही जीरो ना हो? आप अकेला बिंदु धनावेश ले लो, एक बिंदु आवेश के पास, अगर आप मान लो सिंगल चार्ज ले लेते हो, ये ओनली एक चार्ज, तो इससे r दूरी ले लेते हैं, तो यहाँ पर मान लो ये चार्ज है q, तो r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि विभव की वैल्यू होती है के क्यू बटे आर, बस एक घात का ही फर्क होता है इसमें वैल्यू में। तो ये दोनों भी पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है
कि E जीरो हो जाए और V जीरो हो जाए, दोनों एक साथ जीरो हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ये कहाँ पॉसिबल है? आवेश से अनंत दूरी पर। सीधा सा है, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो ना तो विभव होगा ना ही विद्युत क्षेत्र होगा। आप दोनों फॉर्मूले में देख सकते हो, नीचे R आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट को इन्फिनिटिव पर ले जाते हो, बहुत दूर ले जाते हो, तो नीचे यहाँ इन्फिनिटिव आने से दोनों में इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये चार ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो चारों संभावनाओं को बताती है। तो चारों संभावनाएं हो सकती हैं कि ये दोनों जीरो हो जाए, या दोनों जीरो नहीं हो, या ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए। तो बारी बारी से हम दोनों को जीरो कर सकते हैं। मान लो ये एक वर्ग है ए बी सी डी, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर रखा है दूसरा प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, और इसकी भुजा की लंबाई है एल। ये एक वर्ग है, हमें यहाँ केंद्र पर ओ पर विभव निकालना है। बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करो, हमें बिंदुओं पर विभव ज्ञात करना है। तो ये चार बिंदु आवेश हैं, निकाय ले लिया हमने। तो देखो, इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे या इसके कारण, तो ये दूरियाँ चाहिए हमें। मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस है आर, वो तो सेम होंगी चारों। हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये इसमें ये 90 डिग्री का कौन होगा, वर्ग में चारों भुजाएँ, चारों दोनों विकर्ण लंबवत काटते हैं, तो त्रिभुज ए ओ डी से ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर है आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी आर स्क्वायर, और ए डी है एल स्क्वायर। तो टू आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट टू ले लेते हैं, तो ये R हो जाएगा L अपॉन रूट टू। यहाँ प्लस माइनस दोनों नहीं लेना है, डिस्टेंस है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो R की वैल्यू आ गई L के पदों में, ये दूरी आ गई। अब हमें चाहिए इसके कारण यहाँ विभव लेंगे, तो इसके कारण जो विभव होगा वही चारों के कारण होगा। तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो या चार गुणा लिख सकते हो। तो बिंदु O पर जो टोटल विभव आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर, इसका विभव। ऐसे इसका विभव भी यही होगा, उसका भी वही होगा, तो चारों का सेम है, तो डायरेक्ट चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल विभव हो जाएगा V इक्वल टू फोर के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू रख देंगे L अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा फोर रूट टू के क्यू अपॉन L। मात्रक नहीं लगाना है क्योंकि अभी हमने इस किसी की वैल्यू नहीं रखी। दूसरा, इसका मान भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक इनके मान नहीं है तो केवल इसका मान रखने का भी कोई सेंस नहीं है। इसकी वैल्यू तभी रखेंगे जब इनकी वैल्यू दी हो, तब आप पूरा वोल्ट में निकालोगे, नहीं तो इस तरह से सिम्बॉलिक फॉर्म में ही छोड़ दोगे, सिम्बल में ही छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, रेगुलर हेक्सागोन है, एक सम षटभुज है, इसकी छहों भुजाएं बराबर हैं। मान लो यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, सभी पर प्लस क्यू आवेश है,
इसके विकर्णों को इस तरह से बना दो, विकर्ण आपस में जहाँ काटेंगे वो सेंटर हो जाएगा। मान लो इसके केंद्र पर विभव निकालना है, ऐसी ऐसी जगह नहीं पूछेगा जहाँ दूरी नहीं निकल पाए। आपको पता है ये कंप्लीट जो पूरा होता है 360 डिग्री होता है, इसको 6 भागों में बांटोगे तो 60 हो जाएगा। तो ये एंगल 60, ये सिमेट्री से पता चल रहा है बराबर होंगे। तो एक ये त्रिभुज है, इसमें 120 में से ये 180 में से 60 गया, बचा 120, उसको दो जगह बांट दो तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर आपको भुजा L दी हुई है तो ये जो डिस्टेंस है R, ये भी L के बराबर ही हो जाएगी। तो समषट्भुज में अगर भुजा दी हुई है तो वही ये दूरी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर विभव चाहिए, तो इसके कारण यहाँ विभव हो जाएगा KQ अपॉन R, और R की वैल्यू L है तो L डायरेक्ट रख सकते हो। अब सारे आवेश एक जैसे हैं, सभी की डिस्टेंस इक्वल है, तो डायरेक्ट 6 टाइम्स कर दो इसको, तो V इक्वल टू 6 KQ अपॉन L। अगर मान लो इस वाले में एक नेगेटिव होता कोई सा भी, तीन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका पोटेंशियल होता KQ अपॉन R, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। लेकिन इसका विभव माइनस में है तो KQ बटे R कट जाएगा, तो 2KQ अपॉन R बच जाएगा। तो अगर कोई आवेश माइनस का है तो उसकी वैल्यू माइनस में माननी है। जैसे मान लो ये 3 प्लस में ले लें, 4 ले लें, और ये 2 माइनस में ले लें, तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखना है, फिर इसमें क्या करना है, 4 प्लस के हैं तो चारों को एक साथ ले लेते हैं, और ये 2 माइनस के हैं तो इनका माइनस में ले लेते हैं, तो 2 लगा दिया दोनों का, तो ये कंप्लीट सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। बाद में आर को चेंज कर लो, औरों की वैल्यू लिख लो। तो इस तरह से चिन्ह वगैरह का ध्यान रखना है। अगर ये आवेश एक समान नहीं है, अलग अलग है, तो आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना है। मान लो ये प्लस क्यू, ये प्लस का 2Q, ये प्लस का 3Q, ये प्लस का 4Q, तो फिर तो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। फिर तो टोटल पोटेंशियल इसका विभव हो जाएगा 4KQ अपॉन R, क्योंकि इसके आवेश के साथ 4 लगेगा, ऐसे इसके कारण हो जाएगा 3KQ अपॉन R, उसका हो जाएगा 2KQ अपॉन R, और लास्ट वाले का KQ अपॉन R। तो इसको ऐड कर लो, 7, 8, 9, 10, 10KQ अपॉन R, और R की वैल्यू आई थी हमारी L अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 10√2KQ अपॉन L। तो आवेश अलग अलग हैं तो सारे पद अलग अलग लिखोगे, तो कोई भी बिंदु आवेशों का समूह है, निकाय है, तो निकाय का टोटल विभव हो जाएगा ये वी आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर n। एक आवेश के कारण विभव v1 होगा, दूसरे के कारण v2, तीसरे के कारण v2, तो वो सारे जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो ये आवेश है q1, ये है q2, ये q3, और ये एक बिंदु है, ये R1, R2, R3, इस तरह से दूरियां हैं। ऐसे मान लो n आवेश हैं Qn तक, जिनकी दूरियां Rn हैं, तो यहाँ पर टोटल विभव क्या होगा, वो होगा V इक्वल टू KQ1 अपॉन R1, इसके कारण यहाँ विभव, प्लस KQ2 अपॉन R2, इसके कारण विभव, इस तरह से n तक जोड़ देंगे, KQn अपॉन Rn। तो इस तरह से ये n आवेशों के, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव हो गया। हालांकि ये तो हमने सवाल तो कर ही लिया, ये बस ये तो बताना है मुझे कि किस तरह से यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है, और विभव के सवाल कैसे करते हैं वो मैंने सब बता दिया आपको, पिछला और इस वीडियो पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाय।